नमस्कार, मैं इक्याल स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं नीट पीजी एस्पिरेंट्स के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, नीट 2022 का एग्ज़ाम कल है। काफ़ी स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेटेड हैं, काफ़ी आपको फ्रस्ट्रेटेड माहौल दिखेगा। बहुत स्टूडेंट्स तो परेशान थे कि नीट पीजी पोस्टपोन हो जाए, पर खैर सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया और एजुकेशन मिनिस्ट्री ने भी मना कर दिया। पर देखा जाए, अगर 21 मई 2022 को जो नीट पीजी 2022 का एग्ज़ाम हो रहा है, कल होने वाला है, काफ़ी पेचीदा माहौल रहेगा। स्टूडेंट्स आपको एग्ज़ाम सेंटर्स पे देखने को मिलेंगे, वेरियस स्टेट्स से सारे बच्चे आएंगे एग्ज़ाम देने के लिए। और 800 नंबर का पेपर होगा टोटली, जिसमें आपको 3.5 घंटे मिलेंगे क्वेश्चंस करने के लिए, और 200 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने के लिए मिलेंगे उसमें। अब देखना ये है कि बाजी कौन मारता है, किसके हाईएस्ट नीट पीजी में स्कोर आते हैं, कौन पास होता है और कौन फेल होता है। देखिए, हर इंसान ऐसा नहीं होता कि पहले अटैम्प्ट या सेकेंड अटैम्प्ट में ही पास हो जाए, लेकिन वो कोशिश करते ही रहिए। अगर आपको नीट पीजी 2022 के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज हो, या फिर एडमिशन्स के लिए आप देख रहे हो MDMS, DNB, NBE, या फिर CPS, FCPS, या फिर डिप्लोमा कोर्सेज के लिए, तो नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं एक यादव पूरी कोशिश करूँगा आपको इस साल सीट दिलाने की। और काफ़ी स्टूडेंट्स जो मुझे कॉल कर रहे हैं कि सर मुझे सीट नहीं मिल पाई, ये है काउंसलर्स ने ये कर दिया, दिल्ली में ये हो गया, तो मैं कहूँगा सर देखिए, आप लोग उनके पास जाते हैं जिनको MDMS, CPS, FCPS, DNB, NBE इनके बारे में बेसिक नॉलेज भी नहीं पता होती। आप उन लोगों के पास अपनी काउंसलिंग कराने जाते हैं, तो उनको आप हमसे मत कंपेयर कीजिए। हम लोग दिन रात पढ़ते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, वेरियस जगह से हम लोग इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो उसका हम लोग आपसे काउंसलिंग चार्ज लेते हैं। तो सर उनसे आप हमको कंपेयर मत करिए, मैं कहूँगा। बाकी नीट एस्पिरेंट्स के लिए ऑल द बेस्ट। कल आपका एग्ज़ाम है, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और कोशिश ये करिए कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप कर पाएँ सही। बाकी ऑल द बेस्ट मेरी तरफ़ से आप सभी के लिए।